हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डेट, टाइम और टाइम मॉड्यूल को समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैथ मॉड्यूल को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेट टाइम मॉड्यूल हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कराता है जिससे हम पाइथन में डेट और टाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेट टाइम मॉड्यूल में कुछ क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के अकॉर्डिंग उनमें फंक्शंस होते हैं, जैसे डेट क्लास जो डेट्स को हैंडल करती है, टाइम क्लास जो टाइम को हैंडल करती है, डेट टाइम क्लास जो डेट और टाइम दोनों को हैंडल करती है, टाइम डेल्टा क्लास जो दो डेट और टाइम को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है, टीजे इन्फो क्लास जो टाइम जोन प्रोवाइड कराती है, टाइम जोन क्लास जो एक टाइम जोन के टाइम को दूसरे टाइम जोन के टाइम में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो अब हम इन क्लासेस के फंक्शंस को पाइथन में डीपली समझेंगे। तो हमें पहले डेट क्लास को यूज करना है। तो मैंने लिखा फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, मतलब डेट टाइम मॉड्यूल से हमने डेट क्लास को इम्पोर्ट कर लिया। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाइथन में डेट के लिए कोई डेटा टाइप नहीं होता है, तो इसलिए हम डेट का यूज करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया डेट इज इक्वल्स टू डेट राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स में हमें अपनी डेट पास करनी होती है। डेट का फॉर्मेट YYYY, MM, DD होता है। तो मैंने ईयर में लिखा 2023, कॉमा मंथ में लिखा 7 और डेट में लिखा 12। फिर अपने डेट वेरिएबल को प्रिंट किया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में हमारी डेट आ गई है। तो इस तरह से हम डेट को पास कर सकते हैं। हम करंट डेट को भी गेट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डेट इज इक्वल्स टू डेट डॉट टुडे और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में हमारी करंट डेट आ गई है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है फ्रॉम आइसो कैलेंडर। राउंड ब्रैकेट्स में हमें ईयर, वीक और डे पास करना होता है और रिटर्न में हमें डेट मिलती है। जैसे मैंने ईयर में लिखा 2023, कॉमा वीक में 23 लिखा और डे में 3 और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में हमारी डेट आ गई है, मतलब 2023 के 23rd वीक में 3rd डे को 7 जून था। अब अगर हमें अपनी डेट को वर्ड्स में लिखना है तो हम strf टाइम का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा डेट डॉट टूडे डॉट strf टाइम, राउंड ब्रैकेट्स में हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है परसेंट कैपिटल A स्पेस परसेंट स्मॉल D स्पेस परसेंट कैपिटल B स्पेस परसेंट कैपिटल Y और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में वेडनेसडे 12 जुलाई 2023 आ रहा है। अब हम टाइम क्लास को यूज करेंगे। तो मैंने लिखा फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट टाइम और फिर एक टाइम वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू टाइम। राउंड ब्रैकेट्स में हमें आवर्स, मिनट, सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स पास करने होते हैं। तो मैंने आवर्स में 2 लिखा, मिनट्स 30 लिखे और सेकंड्स में 10 लिखा और माइक्रो सेकंड्स में 1 लिखा और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में हमारा टाइम आ गया है। हमारी नेक्स्ट क्लास है डेट टाइम। तो मैंने लिखा फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, फिर एक वेरिएबल लिया dt इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट टुडे और फिर dt वेरिएबल को प्रिंट किया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में करंट डेट विद करंट टाइम आ गया है। डेट टाइम में हम डेट और टाइम भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा dt इज इक्वल्स टू डेट टाइम, राउंड ब्रैकेट्स में 2023, 5, 10, 40, 10, 20 और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए, आउटपुट में ईयर 2023, मंथ 5, डेट 10, 5 आवर्स 40 मिनट्स 10 सेकंड्स 20 माइक्रो सेकंड्स आ गए हैं। अब है टाइम डेल्टा क्लास। तो मैंने लिखा फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम कॉमा टाइम डेल्टा, मतलब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को इम्पोर्ट किया है। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में करंट डेट कॉमा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट, मतलब डेट टाइम में से हमारी सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट होगी। फिर एक और प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में 10 डेज एडेड कॉमा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट। अब अगर हमें अपनी डेट में डेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम टाइम डेल्टा का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा प्लस
टाइम डेल्टा राउंड ब्रैकेट्स विद 10 और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में हमारी करंट डेट 12 है और फिर 10 डेज को ऐड करके हमारी डेट 22 हो गई है। अब अगर मैंने 10 को रिप्लेस करके 35 लिखा तो देखिए हमारा मंथ भी चेंज हो गया है। फिर मैंने 380 लिखा तो देखिए ईयर भी चेंज हो गया है। अब अगर हमें अपने डेज को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस साइन का यूज करेंगे, तो मैंने लिखा -380, तो देखिए आउटपुट में हमारा ईयर 2023 से 2022 हो गया है। अब हम अपनी करंट डेट का टाइम जोन गेट करेंगे, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एज टाइम जोन डॉट टीजे नेम और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ डेट टाइम मॉड्यूल के फंक्शंस। अब हम टाइम मॉड्यूल को समझते हैं। टाइम मॉड्यूल हमें कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड कराता है जिससे हम पायथन में टाइम रिलेटेड टास्क को हैंडल कर सकते हैं। तो टाइम मॉड्यूल में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, हम उन फंक्शंस को समझते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है टाइम। ये फंक्शन नंबर ऑफ सेकंड्स को रिटर्न करता है जब से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले हम टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे, तो मैंने लिखा इम्पोर्ट टाइम और प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा टाइम डॉट टाइम और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में हमारे सेकंड्स आ रहे हैं जब से टाइम स्टार्ट हुआ है। अगर हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करें तो देखिए हमारे टाइम के पॉइंट से पहले के दो डिजिट्स चेंज हो गए हैं। सेकंड फंक्शन है सी टाइम। इस फंक्शन में हम सेकंड्स पास करते हैं और रिटर्न में स्ट्रिंग में लोकल टाइम मिलता है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा टाइम डॉट सी टाइम, राउंड ब्रैकेट्स में आउटपुट वाले सेकंड्स को कॉपी करके पास कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में हमारा डे मंथ डेट आवर्स मिनट सेकंड और ईयर लिखकर आ रहे हैं। थर्ड फंक्शन है स्लीप। ये फंक्शन हमारे करंट एग्जीक्यूशन को गिवन नंबर ऑफ सेकंड्स तक डिलेज या सस्पेंड कर देता है। जैसे मैंने लिखा टाइम डॉट स्लीप राउंड ब्रैकेट्स में 5 लिखा, 5 हमारा 5 सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर लिखा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो। अब मैं अगर प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारा हेलो 5 सेकंड्स के बाद प्रिंट होगा, तो मैंने प्रोग्राम को रन किया 1 2 3 4 5 और देखिए हमारा हेलो 5 सेकंड्स के बाद प्रिंट हुआ है। फोर्थ फंक्शन है लोकल टाइम। ये फंक्शन भी सेकंड्स लेता है और टपल में लोकल टाइम रिटर्न करता है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा टाइम डॉट लोकल टाइम, राउंड ब्रैकेट्स में कॉपी हुए सेकंड को पेस्ट कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में मंथ डे हार मिनट सेकंड वीक डे डे ऑफ द ईयर आ रहा है। फिफ्थ फंक्शन है strf टाइम। ये फंक्शन गिवन फॉर्मेट के बेसिस पर हमारे टाइम को फॉर्मेट कर देता है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा टाइम डॉट strf टाइम, राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा %m/%d/%y स्पेस %H:%m:%s कॉमा टाइम डॉट लोकल टाइम और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में हमारा लोकल टाइम हमारे गिवन फॉर्मेट में आ गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको डेट टाइम और टाइम मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।